Now the next is, अगर हमें पता चला है कि सेमी कंडक्टर्स हमारे थोड़े बहुत काम का है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, तो पहले हम ये देखते हैं कि हमारे इस सेमी कंडक्टर्स नॉर्मल, एक नॉर्मली जब वो रहता है कहीं पे, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्या वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए सफिशेंट है कि नहीं है। लेट्स सी, सेमी कंडक्टर्स जो हैं, ऑन बिहाफ ऑफ ए प्योरिटी की बात करें तो वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर। इन मीन्स अंदर से, ट्रिंग मतलब प्योर, जो अंदर से प्योर है उसे कहेंगे इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर्स। ओके, ये होते हैं प्योर सेमी कंडक्टर्स, प्योर सेमी कंडक्टर्स। अच्छा, आपने एक चीज तो नोटिस कर लिया होगा कि सेमी कंडक्टर ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब देखते हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कितना कमाल दिखाते हैं। ओके, लेट्स सी, हमने एक प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल लिया, हमने क्रिस्टल, सो लेट अस सी, हमने I have drawn a diagram of one crystal. छोटा सा मैंने section लिया crystal का, and ये crystal जो है surrounded है, and एक छोटा सा example ले रहा हूँ, I am taking this one. ये जो pink color है, this is my targeted atom. ये मेरा target है atom का, बाकी सब नहीं है target, ये target कर रहा हूँ इसको. Okay? This is a silicon. ऐसा नहीं है कि बाकी भी silicon नहीं है, वो भी silicon ही है. तो ये भी silicon है, ये भी silicon है, और ये भी silicon है. As you know that in silicon crystal, every silicon atom is being surrounded by the 4 other silicon atoms, making 4 covalent bonds. क्योंकि 4 है उसके पास, 4 चाहिए, एक तू एक मैं, उसको covalent bond कहते हैं, जहां sharing of electrons होती है, समझ में आया। तो यहाँ पे ये वाला एक के साथ share करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, समझ में आया। ओके, सॉरी ये मैं कर देता हूँ ऐसा, इनका हो गया, पिंक वाले का हो गया, 4 हाथ दे दिए उसने अपने। ओके, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कर दिए, और ये बगल वाले जो हैं ये बोलते ठीक है हमारा भी ले लो, हम भी बना लेते हैं आपसे। ये समझ में आ रहा आपको, ये बना लिया इसने, बाकी भी बनते हैं, बाकी सब जगह भी बन रहे हैं। ये इसका बन रहा है इनके साथ, इसका हो रहा है इसके साथ, इसका हो रहा है इसके साथ, इसका हो रहा है इसके साथ, ये दोनों के कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। होता ये है नॉर्मल टेम्परेचर पे सन से जो हीट आ रही है, हीट जैसे हमको हीट मिल रही है, हम फील करते हैं थोड़े अच्छे, वैसे इन्हें भी हीट मिलती है। जैसे ही वो हीट इनको मिलती है, तो इन्हीं कोवेलेंट बॉन्ड्स में से आई कैन कंसिडर ये सीधा वाला, इसने 1, 2, 3, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं, इन 4 कोवेलेंट बॉन्ड में से कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपना जगह, इनकी बॉन्डिंग ब्रेक हो गई, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग हो जाएगा, ये अपना प्लेस छोड़ देगा। जैसे ये प्लेस छोड़ देगा, ये ग्रीन वाला जो है इलेक्ट्रॉन, ये चला गया बाहर, भाग गया वो, समझ में आया। एंड उसी जगह पे यहां पे वैकेंसी आ गई, यहां सीट खाली हो गया, अरे समझ में। और ये इलेक्ट्रॉन, और ये दिख रहा है इलेक्ट्रॉन भाग गया घर छोड़ के, ऐसे कुछ और इलेक्ट्रॉन जो हैं अपनी जगह छोड़ के भाग जाएंगे। क्यों भागे? थोड़े पैसे मिल गए थे, थोड़े बहुत हीट एनर्जी मिल गई, उतनी एनर्जी से सोचते कि हमारा काम निकल जाएगा, नहीं काम करना है मुझे, समझ में। अपनी कंपनी वगैरह छोड़ दिए, भाग गए, समझ में। ज़्यादा नहीं, सब बेवकूफ़ नहीं है, कुछ कुछ थे, तो वो कुछ कुछ जो हैं
वो घर छोड़ दिया, अपना बॉन्ड ब्रेक कर दिया। बॉन्ड ब्रेक करके ये बन गए, ये दिख रहा आपको, दिस इज इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया, इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे था वो तो निगेटिव था। इलेक्ट्रॉन जब हट गया यानी निगेटिविटी हट गई वहां पे, तो कौन आ जाएगा वहां पे, पॉजिटिविटी। तो यहाँ पे कौन आ गए, पॉजिटिव। ये कौन थे, निगेटिव। ये कौन थे, पॉजिटिव। एंड इस पॉजिटिव को हम कहते हैं होल। क्या, होल। तो इस तरीके से आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था, सेमीकंडक्टर्स में पढ़ा था ना, सेमीकंडक्टर्स क्या क्या बनते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर बनता है। एंड दिस इज हाउ वी हैव गॉट इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। क्या बना हमें, इलेक्ट्रॉन एंड होल की क्या बने, पेयर। और ऐसे कुछ पेयर्स बनते हैं, आर यू गेटिंग। एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इजिली पॉसिबल। नाउ टेल मी वन थिंग, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज होल। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस, सो दिस इलेक्ट्रॉन विल मर्ज विद द होल। नाउ वेयर द होल विल गो, नाउ होल विल मूव टुवर्ड्स दिस एंड, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट द होल विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। होल मीन्स पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, नेगेटिव विल मूव टुवर्ड्स द राइट साइड। आर यू गेटिंग, पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग, इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग। एंड दिस इज हाउ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट्स इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स। बट दिस पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर इज नॉट सफिशियंट फॉर आर इलेक्ट्रिकल पर्पस। हमारे इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए इतना फॉर्मेशन सफिशियंट नहीं है। हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा और ज्यादा आए। मतलब मैं ये कहूँ आपसे, 50,000 60,000 के कंपैरिजन में 10-12 जोड़ी टूट गई, 10-12 पेयर ब्रेक हुए, क्या उसे सफिशिएंट है? नहीं। आपको क्या चाहिए सर, 10-12 नहीं चाहिए अपने को, हर 50 में से 10-12 निकालो, हर 50 में से 10 को तोड़ो, समझ में है? 5,000 में 10 को तोड़ के कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, समझ में है? हर 50 में से ब्रेक कीजिए, जितने ज़्यादा पेयर्स बनेंगे उतना बेटर है। आर यू गेटिंग? तो टू इंक्रीज द नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें कुछ बाहर से करना पड़ेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर जितना कर सकता था उसने कर दिया, जितना उससे हो सकता था उतना कर दिया उसने। अब हमें कुछ और करना पड़ेगा ताकि ये सेमीकंडक्टर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होल्स और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो सके। अरे समझ में? तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे सोचो, दूध ज़्यादा लोगों को बेचना है, प्रॉफिट ज़्यादा कमानी है, तो क्या करते हैं, पानी मिक्स करते हैं। ओके, पानी मिक्स करते हैं, करते हैं ना, वैसा ही यहाँ पे भी कुछ मिक्सिंग होने वाला है, यानी प्योर के साथ कुछ ऐड करेंगे हम, और ये बन जाएगा इम्प्योर, मिक्स बनेगा, समझे? सो द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर इज अ मिक्सचर्स, और उसे कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझा, एक्सट्रिंसिक वर्ड क्यों पड़ा इसका नाम, व्हाई इट्स नेम इज एक्सट्रिंसिक मिक्सचर्स। यहां पे हम कुछ ऐड करेंगे, यहां पे हम सेमीकंडक्टर प्लस इंप्यूरिटी ये ऐड करते हैं, सेमीकंडक्टर्स में इंप्यूरिटी ऐड करेंगे एंड वी विल गेट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्या बनेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। लेट अस अंडरस्टैंड दिस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये बड़ी मजेदार है, ये बड़ा यहां से इंटरेस्टिंग चीज चालू होगा। ओके, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में हम बाहर से कुछ एलिमेंट को लेके और इसके सेमीकंडक्टर में हम ऐड करते हैं। हमें क्या बनाना है, व्हाट वी हैव टू मेक, व्हाट इज आवर मेन पर्पस, हमारा मेन पर्पस क्या था, टू इंक्रीज पेयर, टू इंक्रीज नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही हमारा मेन पर्पस है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल, सो दैट आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मस्ट इंक्रीज, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होना चाहिए। अरे समझ में? देन दिस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं, ओके। तो हमने क्या किया, हमने कुछ इंप्यूरिटी हमने ली और उस सेमीकंडक्टर में ऐड कर दिया, लेकिन खास बात ये देखा कि यार सेमीकंडक्टर के पास चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार है ना, चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कुछ भी करेगा चार के साथ करेगा। जैसे किसी को चार रोटी चाहिए खाना खाने के लिए, नहीं दूंगा चार, जा तीन देता हूं उसको, कितना, तीन देते हैं उसको, चार है ना उसके पास, तीन देंगे तो क्या होगा, कमान चार इलेक्ट्रॉन है, उसको तीन इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो तीन तो बना दिया उसने बॉन्ड्स, चौथा वाला खाली रखे, अरे गेटिंग, लेट्स हैव अ लुक। तो हमने क्या किया, तीन देना है ना एलिमेंट जो ऐड करना, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तीन, तीन एलिमेंट वाली जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो थर्ड ग्रुप से लेनी पड़ेगी, कहां से लेनी है, थर्ड ग्रुप। दैट मींस नाउ वी आर एडिंग सेमीकंडक्टर प्लस इंप्यूरिटी, बट जो इंप्यूरिटी है दैट मस्ट बी फ्रॉम थर्ड ग्रुप, कौन से ग्रुप से ऐड करनी है आपको, थर्ड ग्रुप से ऐड करनी है आपको, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, थर्ड ग्रुप से ऐड करनी है। एग्जांपल, कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ दैट, व्हाट आर टॉकिंग अबाउट थर्ड ग्रुप, कम ऑन, एनी एग्जांपल व्हिच आर एडिंग फ्रॉम द थर्ड ग्रुप, एल्यूमिनियम, एनीथिंग एल्स, कम ऑन, बोरॉन, इंडियम, एक्सेट्रा। सो नाउ वी हैव सम ग्रुप, एल्यूमिनियम, ब्रॉन, इंडियम, लेट अस ऐड देम, व्हाट हैपेंस, लेट अस सी। बट रिमेंबर दिस एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी मस्ट बी लिमिट, इनकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, ज्यादा नहीं कितना भी डाल देंगे, एकदम लिमिट में, एकदम कंट्रोल में उनको ऐड करते हैं। और ऐसी इंप्यूरिटी जो हम कंट्रोल में ऐड करते हैं उन्हें कहते हैं हम डोपेंट, क्या कहते हैं, डोपेंट कहते हैं, और उस प्रोसेस को, मिक्स करने वाली प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग करना। डोपिंग आपने सुना भी होगा, ओलंपिक में किसी मैराथन के प्लेयर के साथ डोपिंग टेस्ट में पकड़ा गया। इसका मतलब ये है बॉडी की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, बॉडी में जो चीज़ें पैदा होनी चाहिए उसके अलावा कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर मिल जाता है, समझा, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं जो हमारी किसी भी एक्टिविटी को एक्सेलरेट करता हो, तो कहते हैं डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव निकला इसका, समझा। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसने ड्रग्स लिया था, ये मत समझो, बस ये समझो कि डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव निकला। और ये किसी भी हरकत से हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, चाय में टोबैकोज होते हैं, निकोटीन्स होती हैं, तुमको किसी ने एग्जाम जाने से पहले ही चाय पिला दिया, किसी ने कुछ मिक्स करके दे दिया उसमें, और तुम्हारे बॉडी में आ जाएगा वो चीज़ें। ज़बरदस्ती किसी ने कंप्लेन कर दिया, किसी ने कुछ लिया हुआ है इसमें, तुम्हारा ब्लड टेस्ट चेक करेंगे उसमें तो निकलेगा ही ना, 100% निकलेगा, और तुम्हारे पर केस हो जाएगा, ऐसी चीज़ें होती हैं। ओके, लेट्स हैव अ लुक व्हाट हैपेंस। तो हमने क्या किया, हमने सिलिकॉन के क्रिस्टल के बीच में ये सिलिकॉन का क्रिस्टल्स हैं, सिलिकॉन, 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 ये सिलिकॉन के बीच में वी हैव एडेड एन इंप्यूरिटी, ये है हमारी इंप्यूरिटी, इसका नाम रखा मैंने बोरॉन, मैंने बोरॉन को ऐड कर दिया, या एल्यूमिनियम ले सकता हूँ, ओके, और ये मैंने ऐड कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बोरॉन है, सी हाँ, ये देखिए, 1, 2, 3, बोरॉन तो तीन ही है, वो कहाँ से चार लाएगा, वो तो तीन ही है, लेकिन बगल वाले चार देने को तैयार है उसको, वो तो देने को तैयार है, तू लेने वाला है कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको देना है, ठीक है। तो देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन, ये देखिए, और इनकी तो आपस में बॉन्डिंग तो है ही, ये तो आपस में बॉन्डिंग करेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं आपस में,
So now you can see here, ये तो bonding होंगे इनके. This bond was what you have understood from here. What boron does? Boron made three covalent bonds. Boron has made a three covalent bonds, leaving the fourth bond incomplete. Is it? Fourth bond incomplete hai? And there is a deficiency. Can you see here? Ye dikh raha hai positive. Ye hole hai. This is the hole. Hole. ये तो एक बोरॉन ऐड किया. अगर मैं बहुत सारे बोरॉन ऐड करता तो उतने सारे होल्स बनना चालू हो जाएंगे. ज्यादा होल्स बनेंगे. होल्स ज्यादा बनेंगे. ये मैंने आर्टिफिशियल वे से बनाया है होल्स. आर यू गेटिंग? नाउ टेल मी वन थिंग, इफ दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव दिस वे द होल्स विल मूव टुवर्ड्स द बिलो साइड. आ रहा है समझ में? इलेक्ट्रॉन अगर ये ऊपर जाएंगे तो ये होल कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा. अच्छा, होल इज माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन. यानी पॉजिटिव कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है. अच्छा, यू नो द पॉजिटिव चार्ज का मोशन इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन बताता है. तो इसमें ये एक ऐसा सेमी कंडक्टर्स बन गया जिसमें चार्ज कैरियर कौन है? होल है. कौन है? होल है. अच्छा, ये एक ऐसा सेमी कंडक्टर जिसमें एक्स्ट्रा में क्या मिलेगा? होल्स मिलेंगे. एक्स्ट्रा में क्या मिलेंगे? होल्स. होल्स का नेचर किस तरह का है? पॉजिटिव. क्या है? पॉजिटिव. इसलिए इस सेमीकंडक्टर जिसको हमने थर्ड ग्रुप से ऐड किया, इसे कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी का मतलब होता है पॉजिटिव. सो दिस इज सेड टू बी अ पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स. इसे खास बात क्या पढ़ा आपने? थर्ड ग्रुप एलिमेंट व्हेन इज एडेड टू द सेमीकंडक्टर, चार में से क्या करता है? तीन बॉन्ड्स बन जाते हैं. फोर्थ बॉन्ड इनकम्प्लीट बॉन्ड होती है, गिविंग और राइज ऑफ वन होल. क्या बना देता है? एक ज्यादा होल की फॉर्मेशन कर देता है. वो होल्स आर हैविंग पॉजिटिवली इन नेचर. कैसा नेचर होता है इनका? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेचर्स में होते हैं. दे मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन में मूव करते हैं. आर गेटिंग? दिस होल, ये जो होल होता है, इट इज कैपेबल टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. गेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बोरॉन चार में से तीन ही कर पाया. सामने वाली पार्टी तो चार इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, ये बोल रहा है हमारे पास कम है, इसीलिए इसे जरूरत है. तो जरूरत जब किसी को रहती है तो क्या कहते हैं उसे? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. क्या बोलते हैं इसे? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के जो इम्प्योरिटी होती है वो कैसी इम्प्योरिटी होती है? एक्सेप्टर. क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है. इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स कम है. तो जस्ट इमेजिन करो, ये एक होल है. इमेजिन अगर बहुत सारे बोरॉन्स ऐड किए, 50,000-60,000 बोरॉन ऐड किए, तो सोचो कितने होल्स बन गए. समझे? आर यू गेटिंग? पक्का समझ में आया? एनी डाउट टिल नाउ? श्योर? Have you understood? Now the second type is left. There is a one more type when we have add and when we want to make a semiconductors. एक दूसरा type का भी semiconductors है. But ये तरह के, इस तरह extrinsic semiconductors काम करता है. आपने देखा कि pure semiconductor थोड़ा fail हो गया था, इसलिए हमें extrinsic की ज़रूरत पड़ी. Is that clear? पक्का? Note कर लीजिए आपको जितना लिखना है इसमें. को रिज्यूम करना था बस. ठीक है, एंड टाइप सेमीकंडक्टर. सो द नेक्स्ट इज, दिस इज दैट सेमीकंडक्टर. अपार्ट फ्रॉम दिस, लास्ट टाइम वी स्टडीड अबाउट अ पी टाइप व्हिच कंटेन्स अ पॉजिटिव. दिस इज अनदर टाइप, एंड टाइप. लेट अस सी व्हाट हैपेंस ओवर देयर. जैसा कि मैंने आपको थोड़ी पहले डेफिनेशन में मेंशन किया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, इम्प्योरिटी मस्ट बी एडेड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप. इट मे बी फ्रॉम थर्ड ग्रुप और अ फिफ्थ ग्रुप. थर्ड ग्रुप तो हो गया. सेमीकंडक्टर को, यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम को चार चाहिए, हमने तीन दे दिया, कम दिया, तो इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन बड़ा गुस्से में आ गया. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ज्यादा देंगे तो क्या होगा? ज्यादा देंगे, यानी ऐसे कुछ इंप्योरिटी ऐड करूंगा, डोपेंट. सो हियर द डोपेंट विच आई विल ऐड, डोपेंट यानी इंप्योरिटी विल बी फ्रॉम फिफ्थ ग्रुप. और क्योंकि ये फिफ्थ ग्रुप से हैं, इसलिए इनकी
वैलेंसी पेंटावैलेंसी होती है, तो हम इनको पेंटावैलेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? पेंटावैलेंट। एग्जांपल फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम फिफ्थ ग्रुप। कोई भी एक ले लेते हैं। व्हाट आई विल टेक? आर्सेनिक। आई एम टेकिंग आर्सेनिक। दिस नॉर्मल, कैन यू सी हियर, दिस इज सेड टू बी आईआर सेंसर। इनसाइड दिस, दिस इज, दिस बल्ब इज हैविंग अ स्मॉल चिप सेमीकंडक्टर, ओके, एंड द रेज विच आई, व्हेन आई प्रेस इट, दिस रेज विच गोज, दैट इज एलईडी एक्चुअली, द रेज विच गोज इज इनविजिबल फॉर मी, फॉर अस ऑल्सो। सो दैट रेज विच गोज, विच इज इनविजिबल टू आवर विजिबल आई, ओके, सच रे is possible only if the semiconductor, means the impurity, will be of arsenic. Arsenic and phosphorus, mixtures of that. Are you getting? Yani ki aisi jo LED hoti hai, usme jo rays nikalte hain, wo arsenic aur phosphorus ke mixture se bane hote hain. Are you getting? Okay. So humne kya kiya, aisa hi kuch semiconductors banane ja rahe hain arsenic se. आर्सेनिक इज हैविंग अ 5 इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम क्या करेंगे? 5 जो है, इसने जो पिंक कलर है वो आर्सेनिक है, 4 तो उसने बना दिया, जो फोर्थ वाला था, फिफ्थ वाला था, वो ज़्यादा है उसके पास, बोलता है और कोई है तो आ जाओ, समझा? सिलिकॉन कहता है नो बाबा सॉरी, हम तो बिजी है अपने में, समझ में? तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब तो पूरी तरह से फील हो गया, ये सब कम्प्लीटली फील्ड है। जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, नीट a pair of it, but since semiconductor does not have any extra pair, are you getting? Hence this is a majority charge. The majority charge jo hai, charges are of electrons, and this electron is of negative type. Hence I can say that here the charge carrier is negative, over there the charge carrier was, over here the charge carrier was negative, over there the impurity which we are adding is acceptor impurity, always need some electron because there is a deficiency, but here there is a efficiency, there is always an extra electron, there is always an extra electron, hence this is, this type of a impurity is said to be donor impurity, always ready to donate, le bhai chahiye le le, samajh mein? Okay, aaya samajh mein? So this type of impurity is what, de de impurity, here le le impurity, are you getting? So this is donate karta hai, hence it is said to be a donor impurity, here it is said to be a acceptor impurity. Here, since it is a negative charge carrier, so here negative charge is always move against to the electrical conductivity ke against move karega, but here this way, here the charge carrier move in the direction of electrical conductivity. Are you getting? So these are some relations between n-type semiconductors and p-type semiconductors. Why its name is n-type? Because n for negative type, because the charge carrier of negative charge, and hence this type of a semiconductor is said to be negative type semiconductors. Understood? Come on. This, इस तरीके से हम ऐसी properties पढ़ते हैं जो हमारे distinguish में भी काम आ जाए. Okay? Here, this semiconductor is said to be n-type. Why? Because we add a impurity from p-type. Sorry, from pentagon. Our fifth group. Over here, the impurity which we add from third group. Here, the impurity which we are adding is pentavalent. Here it is trivalent. Pentavalent, trivalent. In this case, they have extra electrons. Impurity always have extra electrons. When we add in that, so out of 5, 4 makes covalent bond. The fifth one is incomplete and giving rise of electrons. Here, out of 4, 3 makes covalent bond. The fourth of silicon will remain unpair. Fourth electron of silicon will remain unpair because that fifth, third group element not having that much electrons. Are you getting? So here there is always deficiency of electron. Here there is always efficiency of electrons. Are you getting? Here the impurity which we add is a donor impurity. Here the impurity which we add is a acceptor impurity. Here the charge carrier is a negative type. Here the charge carrier is positive type. Here the charge carrier moves against the direction of electricity. Here the charge carrier moves in the direction of electricity. These are the differences in between n-type semiconductors and p-type semiconductors. Have you understood this? यहाँ भी साइंटिस्ट का पेट नहीं भरा।
इतने भी पेट नहीं भरा, वो बोलते हैं यार इनसे और कुछ करवाऊंगा मैं। और इस तरीके से तहलका मच गया इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में। अगले एपिसोड में कंटिन्यू ड्रॉ कर लीजिए द नेक्स्ट पार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कुछ चीज़ें क्लियर करने की ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें बड़ी आसान हो। और अगला जो हमारा सेशन होगा वो आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ पे हम कुछ आगे और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम करेंगे जो कि आपके सेमीकंडक्टर्स टॉपिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्पेशली डोंट मिस फॉर अ पीएन जंक्शन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ओके। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप अपने नीडी और बहुत ही ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करें जहाँ पे उन्हें इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फिर भी आपको कुछ और भी अगर डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेशन में जाके ज़रूर मेंशन करें। डेफिनेटली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉर्ट आउट द इशू। याद रखिएगा ये प्लेस, ये एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू से हम बोर्ड में 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड में आने वाली प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे। और ये बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है, ओके। थैंक यू।